हाँ जी, किद्दा वदिया। तो 2022 वापस आ गया है और अपने साथ लाया है कुछ अच्छी चीजें, जैसे IPL 2022, और साथ में मुझे भी लेके आया है क्योंकि मैं तो आती ही रहूंगी तुम्हें तंग करने। तो इस बार IPL 2022 के मेगा ऑक्शन में हम लोग बने हैं पंजाबी ढाबा की थीम पे, और अब इसमें ढाबा है तो खाना तो होगा ही, डिशेज होंगी, तो वो डिशेज है हमारे प्लेयर्स। और वो प्लेयर्स कोई तो मेन कोर्स होगा, कोई स्टार्टर होगा, कोई डेजर्ट होगा, क्योंकि हमारी टीम में भी टॉप ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर है और फिनिशर्स हैं। तो ऐसे ही हम लोगों से पूछेंगे कि अगर हमारी पंजाब किंग्स की टीम ढाबा है तो वो उसको क्या नाम देना चाहेंगे, कौन से प्लेयर को कौन सी डिश बनाना चाहेंगे, किसको डेजर्ट, मेन कोर्स, स्टार्टर्स में डालना चाहेंगे, उनकी बैटिंग या बॉलिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से या उनकी प्लेइंग पैटर्न के हिसाब से। तो ये तो या आप लोग बताओगे या लोग बताएंगे, आप लोग बताओगे कमेंट्स पे और वो बताएंगे इस माइक पे। तो आओ पहले उनसे पूछ लेते हैं, आपसे मैं बाद में पूछूंगा। हेलो मैम। हेलो, क्या नाम है मैम आपका? कनुप्रिया। कनुप्रिया, अनुप्रिया में के लगा दिया तुमने। एकता कपूर की फैन है तुम्हारी मम्मी? नहीं, मेरी सिस्टर का नाम अनुप्रिया ना, तो मम्मी ने सोचा इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे, के लगा दो। सर आप क्रिकेट देखते हैं? Yes. IPL? मैम आपने देखा IPL? Yeah, sometimes. बिजी रहती हैं। क्या करते हो मैम? I am right now searching for a job. उसमें इतनी बिजी हो गई, जब जॉब मिलेगी तब क्या करोगी तुम? IPL पता है ना? Yes, तो IPL 2022 हो रहा है, तो उसकी ऑक्शन में हमें कुछ प्लेयर्स लेने हैं, तो आप अपना सजेशन देना चाहेंगे कि कौन से प्लेयर हमें लेने चाहिए? जिवें पंजाब नूं पहले तो थोड़ा खर्चा करना चाहिदा है, बैट्समैन खरीदे ना, ईशान किशन हो गया, मतलब ऑलराउंडर भी नाल नाल वधिया बैटिंग करता है, ओपनिंग बहुत वधिया करी सुने एक दो मैच पिछले IPL च। बॉलर दी गल करिए तां ट्रेंट बोल्ट लेना चाहिए, जैसे ईशान किशन है, न्यू है, यंग है, काफी रन्स भी बनाया उसने पिछले सीजन में। हाँ जी। तो मेरे ख्याल से ईशान किशन एक अच्छी चॉइस होगी। और उसके अलावा कोई इंटरनेशनल प्लेयर? स्टीव स्मिथ है जैसे। हाँ जी। और डेविड वार्नर है। हाँ, तो ये भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स काफी अच्छी चॉइस है। कौन से प्लेयर सर हमें लेने चाहिए IPL? मैम पहला तो मैनू मनदीप सिंह बड़ा पसंद है। हमारी पंजाब की टीम एक ढाबा होती पंजाब किंग्स की, तो उसका नाम क्या होना चाहिए था? कुछ ऐसे पंकी सा नाम क्या होना चाहिए था? पटियाला शाही जंक्शन। किसका? मित्रा दा। मित्रा दा जंक्शन। मित्रा दा जंक्शन। किंग्स दा ढाबा। मेरे अकॉर्डिंग ओहदा नाम सरदारा दा ढाबा होना चाहिए। सरदारा दा ढाबा बहुत वधिया नाम दस्सिया तुसीं। शेरा दा ढाबा अच्छा रहेगा, सारे शेर है। हां, पंजाबी ढाबे दा मैं वर्ल्ड फेमस है की है। हां, तां पंजाबियों दा अजकल स्वैग बड़ा फेमस है। हां, तो पंजाबी स्वैग। तो जो प्लेयर्स आपने सिलेक्ट किए सपोज उनको एज अ डिश प्रेजेंट करना हो, तो उनका क्या नाम होगा उस डिश का नाम? क्या आपने ईशान किशन बोला था ना, तो क्या होगा ईशान किशन? मेरे ख्याल से कोल्हापुरी किशन अच्छा रहेगा। कोल्हापुरी किशन, लड़की पूरा बिठा के बताया, आप बताइए। मखनी स्टार्क। मखनी स्टार्क। और आपका? पेटकम इन द प्याजा। गेल कबाब। गेल कबाब। सर आप खाते गेल कबाब? नहीं मैम हम नहीं खाते, तो टाइम नाम बोला आपने इसलिए। ईशान किशन वो छोटे से है, तो जैसे हमारी बड़ी स्वीट सी डिश होती है बटर चिकन, वो बड़े सही रहेंगे। कोली दा साग। साग, कोली दा साग खाना। पंजाब में साग के बिना सर्दियां निकलती ही नहीं है। मम्मी 10-10 किलो बना के रखते ड्रमों में स्टोर करके कि रोज यही खाओगे बेटा तुम।